क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी की पर्सनल नेटवर्थ इतनी हो सकती है कि आप 25 देशों की जीडीपी भी जोड़ लो, उससे भी कई ज्यादा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेफ बेजोस की, जो इस पृथ्वी के सबसे रईस आदमी हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 14 लाख करोड़ है। ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो सेंटीबिलियनियर हैं। सेंटीबिलियनियर मतलब जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर सबसे पहले क्रॉस कर लिए और उसकी शतक लगा दी हो, और इनके पास ऑलमोस्ट आज ना के बराबर स्टोर्स है। दुनिया में ये हर एक मिनट में लगभग 1.65 करोड़ कमाते हैं और हर एक दिन में 2400 करोड़। जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है यूक्रेन की जीडीपी के, और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश मोनार्ची की नेटवर्थ से भी 38% ज्यादा, और नाइक मैकडोनल्ड्स की जो एंटायर जीडीपी है उससे भी ज्यादा पर्सनल नेटवर्थ है जेफ बेजोस की। और अमेज़न दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है एप्पल के बाद जिसकी ओवरऑल नेटवर्थ 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। इवन जो इनकी एक्स वाइफ है मैकेंजी बेजोस, आफ्टर डिवोर्स वो दुनिया की 13th रिचेस्ट पर्सन बन गई और उनकी नेटवर्थ है 2,70,000 करोड़। इस आदमी ने तब शुरू किया था जब दुनिया के मोस्ट ऑफ द लोग होप छोड़ देते हैं कि अब तो शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हो गए, अब क्या ही करना है। इन्होंने आज से ठीक 20 साल पहले अमेज़न शुरू किया था जब ये 30-35 साल के थे। जेफ बेजोस पहले से ही बहुत स्मार्ट थे, ये मर्चेंट नेवी में वाइस प्रेसिडेंट थे, और तब इन्होंने देखा कि बाकी सारे सेक्टर्स तो जिंदगी भर चलेंगे, पर ये वक्त इंटरनेट का बूम चल रहा था, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी पकड़ी और अमेज़न स्टार्ट कर दिया, जो कि एक फेमस रिवर का नाम है। इन्होंने स्टार्ट किया बुक सेलिंग से और प्रॉब्लम बहुत आए, बट ये कंसिस्टेंट रहे और इन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, जो इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लाइन भी जोड़ ली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डीवीडी, सीडी, टॉयज और भी बहुत सारे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक दुकान हो वो हर एक कस्टमर के हिसाब से बदलती रहे, तो मतलब जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पसंद हो उसको आपकी दुकान में घुसते ही इलेक्ट्रॉनिक्स दिखने लगे, उसमें भी जो उसको स्पेशली पसंद हो, और आपके जिस कस्टमर को कपड़े में इंटरेस्ट हो उसके शॉप में घुसते ही उसको सिर्फ कपड़े ही दिखने लगे, तो कितना अच्छा होगा। सेम स्ट्रेटजी यूज करता है अमेज़न, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो, मतलब ये कस्टमर का बहुत ख्याल रखते हैं, ये हर चीज नोटिस करते हैं कस्टमर की, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका बिहेवियर, साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स सब जान लेते हैं। जैसे कस्टमर को डिले पसंद नहीं है तो इन्होंने अमेज़न प्राइम निकाल दिया, उसको डिलीवरी के चार्जेस नहीं देना, उसको डिफेक्टिव चीज़ें नहीं पसंद, तब स्टॉक बिल्कुल नहीं, और यही कारण है कस्टमर्स को डीपली जान लेते हैं और उनको ज़्यादा बेच पाते हैं। ये अपने अमेज़न की दुकान उनके हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन आप अपनी कस्टमर्स को वो बेचते हैं जो आपको पसंद है, बट अगर आप उसको वो बेचोगे जो उसे पसंद है तो आपकी सेल 100% बढ़ जाएगी।